हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑटो कोरिलेशन एंड हेट्रोस्कैडास्टिसिटी। हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की कुछ एक एजम्पशंस पढ़ी थी, और जब वो एजम्पशंस सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो उसकी वजह से कुछ एक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, और वो प्रॉब्लम्स हैं या तो मल्टी कोलिनैरिटी की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, या फिर ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, या फिर हेट्रोस्कैडास्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो जाएगी। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम कौन सी अजम्पशन को सेटिस्फाई ना करने पे अराइज होती है। हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एक अजम्पशन पढ़ी थी, और उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जो एरर टर्म्स होती हैं उनके बीच में जो कोरिलेशन है वो ज़ीरो होगा। मतलब एरर टर्म्स, अगर हमारे पास दो एरर टर्म्स हैं म्यू आई एंड म्यू जे, तो उनके बीच में जो कोरिलेशन होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। मतलब कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा दो एरर टर्म्स के बीच में। मगर जब ये अजम्पशन वायलेट होती है, मतलब इन एरर टर्म्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम, इट अकर्स व्हेन द अजम्पशन ऑफ सी एल आर एम दैट एरर्स आर नॉट कोरिलेटेड इज नॉट सेटिस्फाइड। अब इसी तरह से हेट्रोस्कैडास्टिसिटी की प्रॉब्लम कब अराइज होती है, हमने एक अजम्पशन पढ़ी थी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, और उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग कि जो भी एरर टर्म होगी उसका वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट होगा। पर जब ये जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे हेट्रोस्कैडास्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है। अगर हमारी जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट होता है, ये एजम्पशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, होमोस्कैडास्टिसिटी कहा जाता है। मगर जब ये एजम्पशन जो है सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब एरर टर्म का जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं होता है, तो हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, हेट्रोस्कैडास्टिसिटी की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। ऑटो कोरिलेशन जो है वो अकर होता है टाइम सीरीज डेटा में, और हेट्रोस्कैडास्टिसिटी जो होती है वो क्रॉस सेक्शनल डेटा में पाई जाती है। ऑटो कोरिलेशन जो होता है उसकी वजह से जो वेरिएंस ऑफ एरर टर्म होता है वो रिलेटिवली लार्ज होता है, जबकि हेट्रोस्कैडास्टिसिटी की वजह से स्टैंडर्ड एरर जो है वो बायस हो जाती है।